आप देखिए व्यू यहाँ का। ट्रेन के और हमारा स्पॉट है उसी जगह मॉर्निंग राइड। और ये वीडियो और जो ये रोड है यहाँ से लेफ्ट लेते हैं हम आ जाएंगे ट्रेन सिटी के अंदर। तो यहाँ से अभी हमें मतलब अभी सिटी के अंदर से जाना है। स्पेन का साई मंदिर और इस डायरेक्शन से हमारा रोड जाता है हमारे लोकेशन की तरफ। यहाँ से रोड जाता है हमारे लोकेशन पे। तो ये रोड बहुत ही अच्छा है इस तरीके से। हालांकि थोड़ा जो पीछे रोड था वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था, लेकिन यहाँ से जो रोड गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गया है डायरेक्ट लोकेशन पे। और इसी रास्ते पर हम सीधा सीधा चलते जाएंगे और हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो या धागे का नाम है कासमाल। सारा रोड तुम्ही बघू शकता इथे चांगल्याने। हा व्यू कासमालचा। ये रूट थोड़ा ऐसा ऊपर के साइड में जाता है। और गाइस ये टर्न बिन देख के मुझे तो लोनावला घाट की याद आती है। सो अगर आप इसे एक तरफ से देखा जाए तो ये है मिनी लोनावला। सो गाइस ये रोड जाते हैं सीधा अपर हिल की तरफ। तो इसी रोड से हम जाएंगे और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ गाइस इस साइड से पूरा जो एरिया। अभी हम थोड़ा और ऊंचाई के हाइट के तरफ जाएंगे जिससे कि हमारा व्यू और अच्छा है। यानी गाइस ये जो कासमाल है जैसे कि हमारे इधर मिनी लोनावला करके कहते हैं आप, यानी इस पहाड़ पर यानी कौन से भी साइड के आपको एक व्यू भी देखेंगे पूरा तरीके से। फिलहाल अभी थोड़ी बारिश कम हो चुकी है इसलिए पूरे से रोड पे फॉग नहीं है।
अगर थोड़ी और बारिश रहती तो पूरे रोड साइड में, जैसे कि हम आए थे जिस रूट से, वहाँ पूरी रोड पर फॉग रहता था। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे कि इस रोड पर आगे जाएगा तो आपको फॉग आएगा, और ये आ गया फॉग। फुल ये जो रोड है ये फॉग से कवर हो जाएगा थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं आगे का रूट दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे गाड़ी जाएगी हमें उस पर डिपेंड है। और ये है इधर का व्यू, पूरा फॉग से एरिया जो कवर हो चुका है यहाँ पे। और हम जो है इस फॉग में गाड़ी चढ़ाने का मजा आता है ना, यानी ठंडी ठंडी हवा है, एक अलग फील है। मेरे पीछे जो मेरा भाई है उसे भी बहुत मजा आ रहा है। अब रूट देखो ये, ओहो हो, ये है व्यू। तो इसके लिए इसे मिनी लोनावला कहते हैं। हालांकि आप देखा जाए तो ये लोनावला से बहुत ही बेटर है। और यहाँ पे अगर आप आए तो आपको, यानी मोस्टली मैं जितना जानता हूँ कि आपको यहाँ पे कभी यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखेगी, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं देखेगी, नॉर्मल रूट है ये। आपका स्वागत है फोगेश्वर में। कमल का व्यू है यार, गाड़ी चलाते समय ऐसे व्यू है ना गाइस, इसको गाड़ी का चलाने का जो मजा है ना वो इनटू 100 हो जाता है, बहुत मजा आता है गाइस। तो आप देख सकते हैं आगे का रोड दिखना ही, यानी मेरा अगर मैं अगर 10 मीटर आगे छोड़ू तो मुझे वहाँ का रोड दिखना भी कितना हार्ड लग रहा है गाइस। ये रूट का ऐसा है ना, आप जितना अंदर जाएंगे जाएगा, ये रोड बेसिकली एक टेम्पल के इधर जाता है, वहाँ से आगे भी जाता है रोड, लेकिन हम अभी टेम्पल के इधर जाएंगे। आप देखिए व्यू यहाँ का, आप मज़े लीजिए गाइस। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाइए, जिससे कि मैं एक मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे प्लेस और अच्छे अच्छे व्यूज़ मैं आपको आपके लिए ला सकूँ। वैग्रेश्वर मंदिर, वहां पे बाइक पार्क किया है क्योंकि रोड की हालत बहुत ही खराब है। और जो यहाँ से रोड जाता है वो टेंपल की तरफ जाता है। हम आ चुके हैं वैग्रेश्वर टेम्पल, जो कि रोड है पूरा, यानी पेन सिटी के अंदर से कासमल के उसे जो एरिया है, जो आपको मैंने व्यू दिखाया जो फॉग वाले एरिया है, वहाँ से आकर ये पूरा व्यू आता है।
और अगर मैं और कुछ बात करूँ जो एक मंदिर है, यानी अब बहुत ही अच्छा तरीके से ये मंदिर है, मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। ये पूरा मंदिर का एरिया है यहाँ पे, और जो मंदिर का जो एरिया है यहाँ से भी एक अच्छा व्यू आता है, फिर थोड़ा दिखाऊंगा। यहाँ से व्यू है, तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आए, यहाँ के दर्शन कीजिए। हालांकि थोड़ा आते समय आपको गाड़ी ऊपर साइड में लगानी पड़ती है और वहाँ से थोड़ा चल के आना पड़ता है, जो कि ये रोड है ये यानी पक्का मिट्टी का नहीं है। ओनली 5 मिनट्स का वॉक लेके थोड़ा इधर आना पड़ेगा, लेकिन जो व्यू है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, आपको दिखाऊँगा। यह वैग्रेश्वर टेम्पल, सो ये जो है टेम्पल है पूरे इस एरिया में आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो टेम्पल है गाइस, जिसके एक खास ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज काल से यहाँ पर स्थित है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद यहाँ पे चल के आए थे। सो ये है इसकी कहानी इस मंदिर की। और गाइस इस वीडियो में इतना ही बस, और इस वीडियो में गाइस इतना ही, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में।